सब्सक्राइब कीजिए अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाइए हमारे न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम। ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। अब बिना गैस जलाए हम आइसक्रीम बनाएंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने शुगर लिया है और काजू लिए हैं 8-10 जिनको काट लिया है, और टूटी फ्रूटी लिए, किशमिश लिए और बादाम लिए 8-10 जिनको मैंने पतला पतला काट लिया है। और क्रीम चाहिए हमें 2 कटोरी के करीब, और 250 मिली हमें दूध चाहिए वनीला एसेंस। सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर दूध डाल देंगे, शुगर डाल देंगे, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच शुगर डाल ली है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें अच्छे से मिक्स कर देना है चीनी को। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर क्रीम डाल देंगे। मैंने 2 बड़ी कटोरी क्रीम ली है, ये भी 250 ग्राम के करीब है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्रीम और दूध को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बिना गैस जलाए काफ़ी अच्छी आइसक्रीम बनती है। 1/4 चम्मच हम वनीला एसेंस डाल देंगे। वनीला एसेंस की जगह आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसका फ्लेवर भी आइसक्रीम में काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश और टूटी फूटी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनती है फ्रेंड्स। एक बार आप घर में ज़रूर बनाएं। अगर आप ये आइसक्रीम बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट के भी ये काफ़ी अच्छी बनती है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से ढककर 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे जमाने के लिए। देखिए 7 घंटे हो चुके हैं, हमारी आइसक्रीम जो है वो जमकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जमी है, ये बहुत ही क्रीमी है। अब हम सर्व करेंगे आइसक्रीम। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी सुंदर लग रही है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी और क्रीमी है, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। आपको तोड़ने से ही पता चल रहा होगा आइसक्रीम को निकालते वक्त ही कितनी सॉफ्ट है ये। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत